आज हम जा रहे हैं उस औरत से मिलने, लोग हमें गलत कर रहे हैं, गलत कहें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं दोस्तों। और काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि दीदी आप ये सब मत करिए, उल्टा सीधा मत बोलिए, जो भी हो रहा है पब्लिक में मत लाइए, आपको लोग गलत समझ रहे हैं, आप ऐसा काम मत करिए कि जो मालती के साथ हुआ है आपके साथ भी हो जाए। दोस्तों हाथ दर्द करने लगा है इसलिए हम अंदर आ गए। बहुत तगड़ा धूप है और हालत ख़राब हो जा रही है गर्मी से, तो हम यही कह दे रहे हैं कि कमेंट करने वाले अपना मुंह चुप करो, और जो हकीकत है उसको बताने में कोई शर्म नहीं, कोई लाज नहीं, किसी बात का हमें डर नहीं है, और इसीलिए हम बात बता रहे हैं। जो सही है उसी को हम ला रहे हैं, तो उसमें हमारी बदनामी क्या होगी? और मालती के जैसा हादसा होने का डर ही क्या है मुझे? हाँ, मैंने कोई ऐसा गलती नहीं कर रहा है जिसके वजह से हमें मालती के जैसा वो ये हो, कुछ समझ नहीं कि आप लोग क्या चाह रहे हैं। ठीक, सबको हम गलत नहीं कर रहे हैं, जो गलत है उसको हम गलत बोल रहे हैं। गलत को गलत बोलने में क्या हिनाई है, क्या गलती है? हैं, या जो हम देख रहे हैं आँख से, जो इंसान गलत है उसको सही बोलें क्या? अरे ये बहुत अच्छी है, गलत नहीं है, हमारा साथ दे रही है, या हमें बदनाम कर रही है, हमारे पति को भड़का रही है, हमारी फैमिली को भड़का रही है, हमारे रिश्ते में दरार ला रही है, बहुत अच्छा कर रही है, ये कहें तो ठीक है? हैं, या हम उन लोगों के क्या बोल जाता है, उनके नाम पे हम आवाज़ ना उठाएं तो ठीक है? दोस्तों किसका जवाब दें हम? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, कितने लोगों का मुंह पकड़ें, अपने लोग ही जब धोखेबाज हैं तो। गलत कमेंट करने वालों से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क ये पड़ता है कि वो लोग गलत को गलत नहीं, गलत को सही बोलते हैं। अक्सर ये लोग गलत का ही साथ देते हैं, आप सत्य बोलेंगे तो आप गलत हैं, झूठ बोलेंगे तो आप सही हैं, झूठ को हमेशा लोग बढ़ावा दिए हैं। ठीक है, सच्चाई बोलेंगे तो आपको लोग गिरा देंगे, आपको चार चप्पल भी पड़ जाएंगे, सही बोल दिए तो, क्योंकि सही सच जो होता है ना बहुत कड़वा होता है, बहुत दुख भी देता है, कितने लोगों को सहन नहीं होती है, वही तिलमिला जाते हैं सब सच्चाई सुनने के बाद, तो सबके अंदर हिम्मत नहीं होती है कि हम सत्य सुन लें, तो इसीलिए कुछ कुछ हैं लोग जिनको सच्चाई अच्छा नहीं लग रहा है, बुरा लग रहा है। कुछ सब्सक्राइबर हमारे बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद, आप लोगों से हम बहुत खुश हैं कि आप लोग हमारा सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ कुछ इसी में नीच बैठे हुए हैं। एक हैं, बहन है, ये भाई हैं, जो भी हैं कमेंट किए हैं कि दीदी आप ऐसा काम मत करिए जिससे आपकी बात जो हो रही है वो सही में सच्चे हो जाए। उनका कहने का मतलब कि हम झूठ बोल रहे हैं, उन्हें हमारी बातों पर विश्वास नहीं, हम इतना रो रो के वीडियो बना रहे थे, सब मेरी आंसू, मेरी तकलीफ, सब सारे झूठ थे, उनका कहने का मतलब ये है। तो अगर हमें आप अच्छे दिल से समझ रही हैं, अपने जैसे अपने नज़रिए से अगर खुद मेरे जगह पर होकर अगर देख रही हैं तो शायद आप मुझे समझ लेंगे कि ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, क्यों इतना परेशान हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मेरे माथे पागल नहीं लिखा हुआ कि जाओ खुद का मूड़ी पटको और चोट लगाओ फिर रो, ऐसा नहीं मुझे आता। तकलीफ इंसान को तभी आता जब कुछ अपने लोग होते हैं धोखा देते हैं, या किसी बात की दुख होती है, आंसू नकली आंसू तो इतने दर्दनाक नहीं आते, बताइए कितना कोई नकली आंसू गिराएगा? नकली आंसू किसी को कभी आता है दिखावे वाला? हमारे अंदर दिखावे का आंसू नहीं आता है। ठीक, तो किसी को गलत समझने से पहले, गलत बोलने से पहले 100 बार सोचिए फिर कमेंट करिए, जो भी हो सच्चाई का साथ देना है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग गलत का ही साथ दो, कभी हो सकता है आप लोगों के साथ भी ऐसा हादसा हो सके तो आप लोगों का साथ भी कोई ना दे। मैं गलत नहीं हूँ इसलिए मुझे डर भी नहीं है, बदनामी से भी डर नहीं है, कहीं ना कहीं मैं कहीं तक बदनाम ही हो चुकी हूँ, तो उससे अच्छा है कि मैं सही ही बोलूँ, झूठ बोलने का क्या फ़ायदा है, मुझे झूठ बोलने नहीं आता है, मैं सत्य का हमेशा साथ दी हूँ, आज भी दूंगी, भले ही मेरे साथ कुछ भी हो मुझे नहीं परवाह, मैं सत्य का ही साथ दूंगी हमेशा कुछ भी हो, या अगर मुझे मेरे फैमिली के खिलाफ ही खड़ा होना पड़े ना तो मैं खड़ी हो जाऊंगी, लेकिन सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, जो भी हो मैं पति से अपने बहुत प्यार करती हूँ, अगर कल को कोई पुलिस आ जाए, अगर बोले कि कोई भी बोले कि झूठ बोल के अपने पति को बचा लो, तो झूठ मैं नहीं बोलूँगी, अगर मेरे सत्य बोलने से अगर फंस जाएंगे तो फंसा भी दूंगी, लेकिन झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे झूठ बोलने नहीं आता, लेकिन मैं जहाँ तक मैं जानती हूँ मेरे हस्बैंड गलत नहीं है, किसी के बहकावे में आके या किसी के सिलसिले में आके इस तरह कर रहे हैं, लेकिन गलत नहीं है।
अगर आपको सत्य बोलना पड़ रहा है तो सत्य बोलिए, झूठ नहीं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय। जय माता जी। जो भी होगा आप सभी को बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। और हमने शुरू में बोला कि हम जा रहे हैं उस कमीनी से मिलने, तो नहीं, उस कमीनी से हम मिलेंगे नहीं, डायरेक्ट आप लोगों को दिखाएंगे। उससे मिले हम क्यों जाएंगे, उसको ऐसा ज़रूरत पड़ेगा खुद दौड़ के मेरे पास आएगी। गलत मत समझिएगा, जो भी वीडियो आ रहा है उसको ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए, सपोर्ट करिए कि जो कुत्ती है उसका पर्दाफाश मैं कर सकूँ। मुझे हिम्मत दीजिए, हिम्मत ना मेरा तोड़िए।